दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से कैसे कनेक्ट करें। अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको लिंक करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम में अपडेट आने के बाद काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने फेसबुक अकाउंट को या फिर फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने फेसबुक अकाउंट को या फिर फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसको लिंक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि आपका जो इंस्टाग्राम का ऐप है वो अपडेट है या नहीं। अगर आपके इंस्टाग्राम का ऐप अपडेट नहीं है तो आपको यहाँ से उसको अपडेट कर लेना है, और अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फेसबुक में जाना है, और फेसबुक में जाने के बाद आप जिस भी अकाउंट को अपने फेसबुक के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उस अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो आपको ये दो काम करने हैं, और ये दो काम करने के बाद आपको इंस्टाग्राम में जाना है, और इंस्टाग्राम में जाने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर 3 लाइन दिखाई देगी, आपको 3 लाइन में जाना है, और 3 लाइन में जाने के बाद आपको यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट सेंटर, आपको अकाउंट सेंटर में जाना है, और अकाउंट सेंटर में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। तो यहीं से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्ट कैसे करना है, तो आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ से प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो, और आपको यहाँ पर नीचे अकाउंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ से भी अपने फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड अकाउंट, आपको ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाई देगा, और नीचे आपको यहाँ पर अपना फेसबुक अकाउंट दिखाई देगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है यस फिनिश एडिंग, आपको यस फिनिश एडिंग पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो फेसबुक का अकाउंट है वो इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो फेसबुक का अकाउंट है वो इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट हो चुका है। और अगर आप अपने फेसबुक के अकाउंट को या फिर फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करते हो, तो उसके बाद जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कोई भी पोस्ट या फिर रील वगैरह अपलोड करते हो या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट में कोई भी स्टोरी लगाते हो, तो वो ऑटोमेटिक आपके फेसबुक अकाउंट में भी ऐड हो जाएगी। और अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम के साथ डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको रिमूव वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको रिमूव पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से रिमूव पर क्लिक कर देता हूँ, और रिमूव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिमूव अकाउंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा, तो आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो इंस्टाग्राम के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो फेसबुक का अकाउंट है वो यहाँ से हट चुका है, वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से अपने फेसबुक के अकाउंट को या फिर फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कोई भी पोस्ट या फिर रील वगैरह अपलोड करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपके फेसबुक अकाउंट में भी अपलोड हो जाएगी।